इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है, इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो जो अब जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था, वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर यक्ष गंधर्व सुर नर हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ संप्रदाय मत मतांतर सभी धर्मों के धर्माचार्य महामंडलेश्वर हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है
जो आंगो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए भगवान श्री राम। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और